हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे एग्जाम के इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वीडियो एग्जाम का डीवी कब होगा, मंडी परिषद का रिजल्ट कब आएगा, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कब होंगे, आबकारी सिपाही का रिजल्ट कब आएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर की क्या प्रोसेसिंग इस टाइम चल रही, लोअर टू के रिजल्ट को लेकर ये सब ढेर सारे डिस्कस चीज़ें करेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी में एक अधिकारी पोस्ट की एक बड़ी भर्ती आई है, साथ ही साथ में उसको डिस्कस करेंगे और भी कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और यहां से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ की परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापनों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट अभी न्यू आई है फ्रेंड्स, तो इसको हम देख लेते हैं या कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसमें है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दे रहा हूं। तो देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले पे है जो आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट वगैरह भी आ रहा था कि इसमें थोड़ा सा कुछ हमको बता दीजिए। तो ये पहला जो है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, तो आबकारी सिपाही के जो रिजल्ट है वो अभी क्या है, जो आपकी जांच वाँच चल रही है वो इस टाइम इसके लेके है, तो अभी इसके रिजल्ट को लेके कंफर्मेशन नहीं है। फोर्थ पे देख लेते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो सबसे मच अवेटेड है, तो ये अंतिम चयन परीक्षण है तो प्राप्त किए गए हैं, फिर से अभिलेख परीक्षण गतिशील है। गतिशील का मतलब फ्रेंड्स अभी जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें कराया जाना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं टेक्निकल, ये मैं पूरी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप सभी चीज़ें को देख सकते हैं। तो आ जाते हैं 14 पे, जो जूनियर असिस्टेंट की है 2017 वाली, तो इनकी जो टंकर टाइपिंग है माह अक्टूबर 2019 में प्रस्तावित की गई है, परीक्षा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी दिन हो जाएगा, इसी माह में। और नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो को लेके, तो इसमें यह किया गया माह अक्टूबर में 2019 के चतुर्थ सप्ताह में अभिलेखाधिकृत सत्यापन की कार्रवाई संभावित है, तो अक्टूबर के लास्ट में होने वाला है और जल्दी ही हो जाएगा वो अक्टूबर में, और आई थिंक ये जल्दी वैकेंसी फिल भी की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके 16 नंबर को, ये हो गया आपका। 17 नंबर पे देख लेते हैं अधीनस्थ सेवा, कई सारे स्टूडेंट का पिछले वाले वीडियो में कमेंट भी आया था कि सर ये जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट का था तो वो अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये कुंजी उत्तर कुंजी प्रवेश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, माह अक्टूबर 2019 में अभिलेख सत्यापन है, तो अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है, मतलब अक्टूबर में आपके ढेर सारे रिजल्ट और ढेर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर पे देख लेते हैं राज्य कृषि मंडी परिषद का, मंडी परिषद का जैसे मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है, आंसर की भी आपकी फाइनली आ चुकी है, तो यहाँ पे भी और क्या आ रहा है बैग ये हो गया है, तो माह अक्टूबर 2019 के द्वितीय पक्ष में, मतलब द्वितीय पक्ष मतलब 15 तारीख के बाद, तो ये सत्यापन है, तो जितने बच्चों का चयन होगा उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। ये लास्ट में मैं 25 डिस्कस कर लेता हूँ बोरिंग टेक्नीशियन का, जो है माह अक्टूबर 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो ये भी हाल ही में अभी वैकेंसी आई है, तो ये कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थे इसमें बताने के लिए, मैं आपको बता दिया। अब डिस्कस कर रहे थे जो एक बड़ी वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी अधिकारियों के लेवल की, वो आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2019, आपकी है सहायक अधिकारी एवं सहायक शोधाधिकारी, ठीक है, प्रतियोगितात्मक परीक्षा, ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 19 तारीख से आपकी शुरू की जा रही है, इसमें ये देख लीजिए सब डिटेल्स में यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों है ऑनलाइन शुल्क जमा करने प्रारंभ, लास्ट डेट आप देख सकते हैं इसमें। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है ये पोस्ट किस किस चीज़ के लिए है, और साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डिटेल में है आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF की पूरा अपना टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। उत्तर प्रदेश चयन आयोग के लखनऊ के विज्ञापन से क्या 07 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक शोध अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंतर्गत महानिदेशक, यहाँ देख सकते हैं आपके महानिदेशक, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, परिवार कल्याण मुख्य अभियंता लघु सिंचाई महानिदेशक संस्थागत बीमा एवं वाय सहायित परियोजना उत्तर प्रदेश में रिक्त सहायक शोध अधिकारी एवं सांख्यिकी 602-01-02, कुल मिला के 623, बहुत बड़ी पोस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिसर रैंक की सब मैक्सिमम पोस्ट है इसमें। तो ये है, इसमें डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट भी है, पर्यटन विभाग आयुक्त निबंध सहकारिता उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय, इस इन सब चीज़ों में की जाएगी, ठीक है।
तो ये देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आपका है वो होगा। जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग भरोगे, क्योंकि इन्हीं में जो डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकाली गई है। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, इनका है लिखित एग्जाम के चयन से माध्यम से, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा इनका, डायरेक्ट शायद उसी से होगा। अभ्यर्थी को सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन सबमिट करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेफरेंस दे देना है बस आपको, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, ये तो आप सब कर लोगे। आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपके रजिस्ट्रेशन के, देखिए ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म में भरे जाएंगे। कुछ डिक्लेरेशन है कि ध्यानपूर्वक पढ़ लें, यदि घोषणा पत्र सहमत हो तो जी हाँ, वो डिक्लेरेशन तो आपको पढ़ना ही होगा। और यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक मिनट। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए कुल मिला के 185 रुपये लगेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगेगा आपको 185, जनरल ओबीसी का, अनुसूचित जाति का 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति का और विकलांग 95 और विकलांग के लिए 25 रुपये, ठीक है। ये फ़ी है आपका फ़ी स्ट्रक्चर, और फिलहाल तो यूपी त्रिपलसी की लगभग लगभग इतनी ही होती है। यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ पद के बारे में, मैं आपको बता दूँ कि अस्थाई और अस्थाई अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा आप, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, ठीक है, सहायक शोध अधिकारी की जो पोस्ट है, पे ग्रेड इनका काफ़ी अच्छा 4200 पे ग्रेड पे है फ्रेंड्स, तो 2140 इनका वो है, 346 कुल मिला के पोस्ट है, ठीक है, अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जाति के लिए इतना है। ये देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, इसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों टाइप के पद सम्मिलित हैं, और इसमें जो मुख्य अभियंता लोक सिंचाई विभाग ये अस्थाई है, ठीक है। महानिदेशक वाला जो पद है आपका केवल दो जो पोस्ट है संस्थागत LIC वगैरह में, तो ये अस्थाई है। और ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं 166 पर, निदेशक अर्थ संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, तो इसमें भी अस्थाई पद दे रखे हैं, ये ऊपर वाला है आपका, और तीन अस्थाई पद एवं शेष पद अस्थाई, इसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो और सारी जो नीचे की पोस्ट हैं ये सारी अस्थाई है, कुल मिला के कुल पद 904 हैं जो भी बैकलॉग करके जो भी है। देखो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें EWS वालों को भी मतलब जो वो है वरीयता है वो दी जाएगी, अगर आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है बनवा लिए, अगर नहीं भी बनवा पाए हैं तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, वो आपको मेंशन करना होगा या वहाँ पर लेके जाना होगा। देखिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कुछ पोस्ट के लिए स्वतंत्रता सेनानी के लिए 12 रखेगी, विकलांग के लिए 24 रखेगी, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 31, महिला के लिए 124। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कट ऑफ वगैरह पॉसिबिलिटी यहीं से कम होनी शुरू हो जाती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में है इन सब में रखी गई है, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे देख लेंगे, नेक्स्ट है हम आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा एक मिनट। EWS वगैरह ठीक है, ये इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया अनिवार्य अव्यर्था, सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी की पदवी का विकल्प निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में स्नातक, मतलब कुल मिला के या तो आपको मैथ से हो या तो आपका कॉमर्स से हो या तो फिर इकोनॉमिक्स हो, ये चीज़ जरूरी है। और एक साथ में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ओलेवल, यहीं से बहुत ही कम बच्चों के पास में ओलेवल सर्टिफिकेट होगा तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है थोड़ा कंपटीशन की, ठीक है। अधिमानी अर्हता जो कि नेसेसरी नहीं होती है, आपके पास में है तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। अन्य बातों के समान हो पे ऐसे अभ्यर्थियों के सीधे मामले में अधिमान किया जाएगा, जैसे आपके कट ऑफ मार्क्स सेम होते हैं, मतलब मार्क्स सेम होते हैं और एज भी अगर लगभग नियर अबाउट आपकी सेम होती है तो किसी प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इनके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यही होता है आपका अधिमानी अर्थात। आयु सीमा 21 से 40 आपने उसमें पूरा देख ही लिया है, ठीक है। तो ये थे आरक्षण वगैरह जैसे है और प्रीवियसली वैसे ही बना रहेगा। परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया था कि यूपी त्रिपलसी अब घोषित कर चुका है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पहले ही एग्जाम के अकॉर्डिंग अब की जानी शुरू कर दी जाएगी, चाहे वो जितने भी एग्जाम अब करवा जाएंगे। चयन का आधार ऑफलाइन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जैसे कि ऊपर ही दे रखा था, तो ये होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इंफॉर्मेशन थी, और कुछ हमारे पास में एक न्यूज़पेपर का पेज है फ्रेंड्स, मैं उसको आपको डिस्कस करना चाहूँ, कुछ एग्ज़ाम की और भी अपडेटेड वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है। ये फ्रेंड जैसे 23 सितंबर से शुरू होगी JEE 2018 की परीक्षा, ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग, ये पूरा डिटेल्स है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। 23, 25, 26, 27 ये आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सिविल जो स्ट्रीम है आपकी 23 तारीख को की जाएगी,
मैकेनिकल स्ट्रीम की 25 और 27 को शाम एवं 27 सितंबर को सुबह शाम दोनों पालियों में होगी। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की भी है 26 सितंबर को दोनों पालियों में होगी, ठीक है, मध्य क्षेत्र के 74 केंद्रों पे होगी। साथ ही साथ और इम्पोर्टेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है, ये तो मान लो पर्टिकुलरली हो गया मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, सितंबर नवंबर और दिसंबर महीने में सीजल टीयर 3, सीएचएसएल टीयर 2, एमटीएस टीयर 2, एएसआई पुलिस टीयर 2 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन मोड में। तो ये है आपको ध्यान दे लेने योग्य बातें हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और ही हैं, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से सीपीयू टीयर 2 परीक्षा ऑनलाइन मोड में 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगी। देश भर में इसके सेंटर बनाए गए हैं। मध्य क्षेत्र प्रयागराज में 2 से 3 में। सीएचएस टीयर 2 का भी देख ले, काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था। 19 सितंबर को होगी यह परीक्षा, ठीक है, परीक्षा ऑफलाइन एंड पेन पेपर में, मेंस का वही जो आपको वो सब किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 45,101 नियर अबाउट पूरे अभ्यर्थी को क्वालिफाई कराया गया है। मैक्सिम इसके जो सेंटर बनाएंगे वो पूरा इलाहाबाद में ही बनाया जाएगा, प्रयागराज में ही बनाया गया। 7 केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं, ठीक है, 30 केंद्र हैं, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ है आपको एक साथ और दे रखा है। इसके अलावा एमटीएस टीयर 2 की 17 नवंबर और सीजीएल टीयर 3 की 29 दिसंबर कराने की पूरी तैयारी। ये तो कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।